नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ से अलीगढ़ लाया गया है। अलीगढ़ के होलकर स्टेडियम में उनके शव के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलीगढ़ पहुंचे। वहीं 23 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार अलीगढ़ के नरौरा गाँव में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफगान संकट का जिक्र कर CAA को जरूरी बताया है। अफगान संकट से जुड़ी एक खबर को शेयर करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया है कि अस्थिर पड़ोस की जो ताज़ा स्थिति है वो बताती है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्यों जरूरी है। कोरोना वायरस का खतरा अभी भी देश से टला नहीं है। लगातार हर रोज 30,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र और केरल में बना हुआ है। महाराष्ट्र के 15 जिलों में 100 से कम कोरोना के एक्टिव केस हैं। 15 में से 6 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले 10 से कम हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों को 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। हरियाणा की खट्टर सरकार कोरोना महामारी को लेकर काफी सतर्क है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा में एक बार फिर से 2 हफ्ते यानी 6 सितंबर 2021 की सुबह 5 बजे तक के लिए कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता ला गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया है। रविवार को उन्होंने इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की। ला गणेशन बीजेपी के सीनियर नेता हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा ला गणेशन तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों के खिलाफ केंद्र सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है। दोनों के खिलाफ UAPA के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इससे संबंधित अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2 दशकों से अलगाववादी आंदोलन की अगुवाई कर रहे अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर UAPA के तहत बैन लगाए जाने की उम्मीद है। अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत पहुंचने के बाद अफगान सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा कैमरे के सामने आते ही भावुक हो गए। जब उनसे पूछा गया कि एक सांसद के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितने दर्द की बात होती है, तो उन्होंने कहा, मुझे इस पर रोना आता है। उन्होंने कहा कि 20 साल में हमने जो किया सब कुछ खत्म होकर जीरो हो गया। यूपी के कासगंज में 10 साल पहले थाने के लॉकअप में मारपीट करने वाले BSP के पूर्व विधायक हसरत उल्ला शेरवानी समेत 9 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट ने विधायक को अगली सुनवाई तक पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है। आगामी 25 अगस्त को अंतिम सुनवाई का फैसला लिया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे भारतीय किसान यूनियन में फूट पड़ने की खबर है। दरअसल किसान यूनियन के 2 पक्षों में तकरार इस कदर बढ़ गई है कि मामला पुलिस तक पहुंच गया है। राकेश टिकैत के करीब शमशेर राणा ने अपने ही संगठन के नेता धर्मेंद्र मलिक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि वो बीजेपी को हिंदू शब्द को हाईजैक करने की इजाज़त नहीं देंगे। रावत ने कहा कि बीजेपी ने हिंदू धर्म को इसके मूल तत्वों से दूर कर दिया है और इसे हिंदुत्व तक सीमित कर दिया है। हम अपने मूल्यों में हिंदू हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।